वेलकम टू इकोनोहॉप। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंटेशन। जो सेगमेंटेशन का टॉपिक है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है पेजिंग से। पेजिंग में क्या होता था, पेजिंग कंसेप्ट था जिसमें हम एक प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर देते थे, बट उनका साइज सेम होता था और उसी पेजेस को हम बिना पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी में एलोकेट कराए, सिर्फ उसके कुछ पेजेस को करा देते थे जो कि सीपीयू से रिक्वायर्ड है मेनली। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती थी, उसमें जो सब पेजेस का साइज था ना, वो हमेशा सेम रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि कुछ प्रोसेसेस या कुछ मेमोरी ब्लॉक्स जिनका साइज उस पेज से ज़्यादा नहीं है, उस पेज से कम है, तो उस वो पेज उन मेमोरी ब्लॉक्स में रिजाइड नहीं कर पाता था मेन मेमोरी में। कि जिनका मेमोरी ब्लॉक का साइज कम था पेजेस के साइज से, सपोज सारे पेजेस 1 KB 1 KB के थे और मेमोरी ब्लॉक 0.5 KB की है, तो वो हम लोग उस पेज को मेमोरी ब्लॉक में रिसाइड नहीं करा सकते, जस्ट बिकॉज उसका साइज, मेमोरी ब्लॉक का साइज छोटा है उस पेज को एलोकेट करने के लिए, राइट? तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमें पेजिंग में दिखाई दी। इसका एक सॉल्यूशन आया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंटेशन में अलाउ एक प्रोसेस होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम एक प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेगमेंट्स भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे पेजिंग में था कि डिफरेंट पेजेस में तो डिवाइड कर सकते हो, बट उनका सबका साइज सेम होना चाहिए। सेगमेंट्स में क्या होता है, आप लोग सेकेंडरी मेमोरी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, कुछ छोटे कुछ बड़े, ताकि जो छोटे प्रोसेस हैं वो भी उन सेगमेंट्स में एलोकेट हो जाए और जो बड़े प्रोसेस हैं वो भी उन सेगमेंट्स में एलोकेट हो जाए। रैंडमली किसी भी साइज के सेगमेंट्स कट कर लो और उनमें हम भरते जाए। अगर प्रोसेस बड़ा है तो वो किसी बड़े सेगमेंट में एलोकेट हो सके, और प्रोसेस छोटा है तो किसी छोटे प्रोसेस में एलोकेट हो सेगमेंट में एलोकेट हो सके। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअल सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन एंड सिंपल सेगमेंटेशन। सिंपल सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो सारे प्रोसेस हैं ना, वो सेगमेंट्स में रन टाइम पर एलोकेट हो सकते हैं एक ही साथ सारे कॉन्टिग्यूस मैनर में हो या ना हो, वो मर्जी होती है, बट लेकिन एक ही साथ वो एलोकेट किए जा सकते हैं रन टाइम पर। पर वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं हो सकता। वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन में एक ही टाइम पर सारे प्रोसेसेस सेगमेंट्स में एलोकेट नहीं हो सकते। सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। तो हेयर इज अ लॉजिकल व्यू बेसिकली ऑफ सेगमेंटेशन ऑन हाउ इट वर्क्स। सेगमेंटेशन, दिस इज द CPU, दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको पता ही होगा, और ये है सेगमेंट टेबल। जैसे वहाँ पर पेज टेबल थी पेजिंग में, यहाँ पर सेगमेंट टेबल है, और ये फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब मेन मेमोरी। सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, हमने सेकेंडरी मेमोरी को 3 सेगमेंट्स में कट कर दिया, S0, S1, S2, दीज आर द सेगमेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी और ये मेन मेमोरी। अब ये मेन मेमोरी में कैसे आए वो पता चलता है इस सेगमेंट टेबल के थ्रू। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है सेगमेंट टेबल, एक होता है बेस एड्रेस, दूसरा होता है लिमिट। बेस एड्रेस कहाँ क्या होता है, जिस पॉइंट से, जिस एड्रेस से एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस। लिमिट मतलब जो टोटल प्रोग्राम की या प्रोसेस की लेंथ होती है, उसे हम लिमिट बोल देते हैं। सपोज 500 है, 500 से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और वो S0 में स्टोर किया गया है। अब वो कब तक चलेगा, वो 300 और चलेगा, तो 500 प्लस 300, 800 तक वो पूरा प्रोसेस या प्रोग्राम चलेगा। तो दिस इज बेसिकली द लिमिट एंड दिस इज द पेज बेस एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट, राइट? सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ लाइक सेगमेंटेशन, डिफरेंट पार्ट्स। बेस एड्रेस वही है, स्टार्टिंग ऑफ द फिजिकल एड्रेस, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द लिमिट, एंड सेगमेंट टेबल इज बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर जिसमें सारे सेगमेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फिर वो चाहे सेगमेंट नंबर हो या कुछ भी। एक बहुत मेन सा डिफरेंस है पेजिंग और सेगमेंटेशन में, पेजिंग जो है वो यूजर के व्यू को लुकआउट नहीं देता, मतलब वो सिर्फ इतना करेगा कि वो सेम साइज के पेजेस में डिवाइड कर जाएगा, वो ये नहीं देखता कि यूजर को क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं रिक्वायर्ड है। बट सेगमेंटेशन ये देखता है, सेगमेंटेशन ये भी देखेगा कि यूजर को कितने साइज के पेजेस रिक्वायर्ड है, क्या वेरिएशंस आ रही हैं साइजेस में, उसे बड़े चाहिए, छोटे चाहिए या इक्वल साइज के चाहिए, वो सब देख के सेगमेंटेशन के सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। सो दिस वॉज अ बेसिक लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन। थैंक यू।